हे गाइस, वेलकम टू अकेडमी गुरु जी। ये अपनी आरआरबी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और आज अपनी क्लास में 27 है। ठीक है, आज की क्लास में हम एक पजल सॉल्व करने वाले हैं। एक अरेंजमेंट है जो कि काफी अच्छा खासा है, काफी अच्छा खासा उसका लेवल है। ठीक है, तो इसके अलावा गाइस, यदि आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप academygurujee.com विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप यहाँ विजिट कर सकते हो। आपको URL में टाइप करना है www.academygurujee.com। ठीक है, और यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ कंटेंट है वो आपके लिए अपलोड करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जैसे डेली आपके लिए करंट अफेयर के भी वीडियो आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी एक्स्ट्रा पजल्स हैं जिनकी आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी पजल है वो यहाँ अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप आइए, यहाँ विजिट कीजिए और इन पजल्स की भी साथ में प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वीडियोस हैं उनकी भी, जितनी भी पजल्स होती हैं उनको भी मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। तो आपके आपको हिंदी और इंग्लिश का भी इशू नहीं रहेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। पूरी पूरी वेबसाइट हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में जिनको है चाहिए वो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं से ट्रांसलेट हो जाएगी। तो आप विजिट कीजिए और इन चीज़ों का फायदा उठाइए, और डेली जितने भी एक्स्ट्रा पजल्स मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ उनको भी सॉल्व किया कीजिए। अब चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये अपने पास आज का अरेंजमेंट है जिसे अपन अभी सोल्व करेंगे। एक बार आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसे बनाने की ट्राई कीजिए, देखिए आप कितने समय में इसे बना पाते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश में चाहिए उनके लिए इंग्लिश में रहा, जिनको हिंदी में चाहिए उन लोगों के लिए हिंदी में रहा। जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है, लेकिन आप बनाइए जरूर, इसका लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, तो आप जल्दी से बना के देखिए आप कितने समय में इसे बना पाते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसे बनाने की कोशिश जरूर की होगी। अब चलिए अपन इसे सोल्व करते हैं। देखिए, चीजें आपको पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको चीजें कैसी लगती हैं। चलिए अब सोल्व करते हैं। देखिए, हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक फ्रिज है, उसमें 10 बोतल हैं और उनके 5 अलग अलग कलर हैं। ठीक है, मतलब एक कलर की 2 बोतल हमारे पास हो जाएंगे। फिर हमसे कहा जा रहा है कि दे कीप इन 2 ट्रेस, 2 अलग अलग ट्रे हैं, ट्रे फर्स्ट होगी और ट्रे सेकेंड होगी, दोनों अलग अलग ट्रे में रखी हुई, एक ट्रे में 5 और एक ट्रे में 5 बोतल। ठीक है, 5 बोतल इन ईच ट्रे डिफरेंट कलर, मतलब एक कलर का सेट है वो एक ट्रे के अंदर है और दूसरा सेट है वो दूसरी ट्रे के अंदर है। क्लियर? देन हमसे कहा जा रहा है कि ट्रे 1 इज एग्जैक्टली अबव द ट्रे 2। ठीक है, फर्स्ट ऊपर हो जाएगी और सेकंड वाली नीचे हो जाएगी, कुछ इस प्रकार है। देन उसके बाद है कि डिफरेंट आइटम आर कीप्ड इन बॉटल लाइक सोया सॉस, कस्टर्ड, रसना, बटर मिल्क, टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, मिल्क एंड वाटर, मतलब इतनी चीजें उन ट्रे के अंदर रखी हुई है। लेकिन ये चीजें कितनी हुई, ये कंटेंट कितना है, सिर्फ 7 हमारे पास, बॉटल कितनी 10। तो जो मिल्क और वाटर है, ठीक है, उनकी 2-2 बोतल हैं, मतलब 2 बोतल हैं वो मिल्क की हैं और 2 ही बोतल हैं जिनमें पानी रखा हुआ है। क्लियर? ओके, तो कुल मिला के इस तरीके से हमारे पास 10 चीजें हो जाती हैं जो रखी हुई। तो ये हो गया अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इतनी चीजें रीड करने के बाद में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पजल किस तरीके से बनेगी, या फिर कुल मिला के ये समझ में आ जाए कि हाँ, मेरी अप्रोच कुछ इस प्रकार की रहने वाली है और मैं इस तरीके से इस पजल को मैं बना सकता हूँ। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। सबसे पहले वही काम कि सबसे पहले जो पजल हमारे पास है उसे जितने हो सके उतनी चीजें हम कोडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि ट्रे 1 द येलो बोटल इज सेकंड टू द राइट ऑफ द बोटल कंटेनिंग सोया सॉस। अब देखिए, ये इतना वर्ड बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ एस वर्ड है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि एस हो गया, सोया सॉस हो गया, उसके सेकंड टू द राइट, तो ये अपने पास सेकंड पोजिशन होगी और ये क्या है, येलो बोटल है, कुछ इस प्रकार हो गया। फिर हमसे कहा जा रहा है कि विच कंटेन द आइदर रसना और बटर मिल्क, हो सकता है इसमें या तो रसना हो, ओके, या हो सकता है इसमें बटर मिल्क हो। क्लियर? ओके, फिर है कि एंड ऑल्सो येलो बोटल इन द ट्रे 2 इज बिलो द रेड बोटल इन ट्रे 1। ओके, तो जो ट्रे 1 है उसके अंदर रेड बोटल है, ओके, और सेकेंड वाले के अंदर जो नीचे है उसके एग्जैक्टली नीचे कौन सी, येलो वाली है। तो ये चीजें तो कुछ इस प्रकार है और ये चीजें कुछ इस प्रकार है। अब ये चीज याद रखिए, ये जो घटना हो रही है ये ट्रे 1 की बात चल रही है, तो ये भी यहाँ साथ साथ लिखना जरूरी है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी ट्रे की बातें यहाँ हो रही है। देन हमसे कहा जा रहा है कि मिल्क बोटल एंड टोमेटो सॉस आर नॉट कीप्ड इन द ट्रे एज सेम एज द बटर मिल्क वेयर। तो यहां तक बातें करें तो हमारे पास है कि जिस ट्रे, जो भी ट्रे है, ठीक है, उसमें जिसमें बटर मिल्क होगा उसके अंदर 2 चीजें नहीं हो सकती। एक तो उसके अंदर क्या नहीं हो सकता, मिल्क नहीं हो सकता, और दूसरा उसके अंदर टोमेटो सॉस नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये चीजें इसमें नहीं हो पाएंगी जहां बटर मिल्क होने वाला है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि ग्रीन बोटल ऑलवेज कीप्ड विद द येलो बोटल, तो ग्रीन बोटल जो है वो येलो के साथ में रखी जा रही है। एक बात तो यहां से ये देखिए,
ओके, लेकिन ये कौन से किसके राइट में है या लेफ्ट में वो नहीं पता, तो इसके लिए हम ये एरो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये चीज हमें क्लियर हो जाए। तो दोनों साथ में रहेंगी बट कौन सी किस साइड रहेगी वो नहीं पता, और ये दोनों ही ट्रेन के लिए अप्लीकेबल है, ट्रेन नंबर फर्स्ट और ट्रेन नंबर सेकंड के लिए। उसके बाद में हमसे कहा जा रहा है कि इन द ट्रे फर्स्ट द पिंक बॉटल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बॉटल हैविंग द वाटर। तो जो वाटर वाली है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन सा है, पिंक वाला है, तो हम मान लेते हैं इसमें वाटर होगा। और उसके थर्ड लेफ्ट की यदि मैं बात करूं तो ये पोजिशन हो जाती है मेरे पास पिंक के लिए। ओके ओके, चलिए ये है बात हो रही है ट्रेन नंबर फर्स्ट की, ये भी साथ में याद रखिए। फिर बात आती है कि रेड बॉटल आर ऑलवेज कीप्ड डायगोनली। अब डायगोनल की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेड हो जाता है और ये डायगोनल हो गया, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हो सकता है डायगोनली इस तरीके से भी हो, लेकिन ऐसे कोडेड फॉर्म है तो हमने इसे ऐसे लिख लिया, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ दोनों तरफ कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये चीज होगी कैसी, डायगोनली। फिर बात आती है कि इन द ट्रे टू द बॉटल हैविंग द चिली सॉस इज थर्ड टू द राइट ऑफ द बॉटल हैविंग द मिल्क। ठीक है, तो पहली बात तो बात हो रही है ट्रे नंबर टू की, क्लियर। उसके बाद में हमसे कहा जा रहा है कि जो मिल्क वाली बॉटल है उसके थर्ड टू द राइट ऑफ द कौन सी है, चिली सॉस वाली है। तो हम इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये ट्रे होगी जिसके पास अंदर क्या है, मिल्क है, और उसके बाद में दो ट्रे छोड़ने के बाद में पास चिली सॉस है। अब देखिए सी सी से दो चीजें आ रही है, एक चिली सॉस हो गया और एक कस्टर्ड हो गया, तो इसे हम सिर्फ सी से डिनोट कर सकते हैं और चिली को सी एच से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजें क्या सॉर्ट बना सकते हो, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये ट्रे नंबर टू की बात हो रही है, ये भी याद रखिए। फिर उसके बाद में हमसे कहा जा रहा है कि मिल्क बॉटल आर, मिल्क बॉटल्स एंड रेड बॉटल आर एक्सट्रीम एंड, मतलब मिल्क और रेड वाली है वो दोनों ही क्या है, एक्सट्रीम एंड पे रखी हुई है। इसका मतलब ये एक पोजीशन है जो हम अभी फिल कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी सीट के अंदर, 2 3 4 5 चलिए, और 1 2 3 4 5 ठीक है। चलिए अब ये अपने पास ट्रे फर्स्ट होगी और ये ट्रे सेकंड होगी, ये घटना हो रही है ट्रे सेकंड की। अब देखिए मिल्क है वो एक्सट्रीम एंड पे रहने वाला है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि मिल्क तो मुझे इस जगह रखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में दो जगह छोड़ने के बाद में मुझे चिली सॉस रखना पड़ेगा, क्लियर। ओके, तो ये चीज हमने यूज कर ली, ये अभी से डन हो चुकी है। उसके बाद में मुझसे कहा जा रहा है कि ओके हाँ ये हो चुका था, बटर मिल्क इज इन द ग्रीन बॉटल एंड इन ट्रे फर्स्ट। तो जो ट्रे फर्स्ट है उसमें बटर मिल्क है वो ग्रीन बोतल में। अब एक बार देखिए आप, येलो जो थी उसके पास क्या था, या तो उसमें रसना था या उसमें बटर मिल्क था। अब ये कह रहा है कि बटर मिल्क तो है वो ग्रीन वाले के अंदर है, इसका मतलब यहां सिर्फ क्या है, रसना वाला है। इसका मतलब बटर मिल्क हम यहां से हटा देते हैं, एक चीज। दूसरी बात, हम इसे कोडेड में लिख सकते हैं कि जो बोतल ग्रीन वाली है उसमें क्या है, बटर मिल्क है और फर्स्ट ट्रे के अंदर है, ठीक है। सेकेंड ट्रे वाली की बात नहीं हो रही, यहां सिर्फ फर्स्ट की बात हो रही है। चलिए उसके बाद में मुझसे कहा जा रहा है कि द बॉटल बिलो रसना इज नाइदर ब्लू और नॉर ग्रीन, ठीक है। तो ना तो वो ब्लू हो सकती है ना ही ग्रीन हो सकती है जो रसना वाले के नीचे रखी जा रही है। रसना कौन सी है, ये वाली। तो इसी के नीचे हम साथ में बना लेते हैं कि एक तो नीचे इसके नीचे क्या नहीं आ सकती, ब्लू नहीं आ सकती, और दूसरी ये कि ग्रीन नहीं आ सकती, ठीक है। दो चीजें इस बॉटल के एग्जैक्ट नीचे वाली पोजिशन पर नहीं आ पाएंगी। ओके चलिए उसके बाद में है कि इन द ट्रे टू ए बॉटल हैविंग वाटर इज नॉट प्लेस विद द बॉटल हैविंग द मिल्क एंड पिंक बॉटल इज सेकंड टू द राइट ऑफ द येलो बॉटल, ठीक है। जो पिंक वाली बॉटल है वो सेकंड टू द राइट ऑफ द येलो बॉटल है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये येलो हो गई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड टू द राइट की मैं बात करूं तो ये मेरे पास पिंक बॉटल हो गए, क्लियर। ओके, और ये बात चल रही है ट्रे नंबर टू की, ये भी आप याद रखिए। दूसरी बात ये चल रही थी कि मिल्क और जो वाटर है वो दोनों क्या हैं, पास पास नहीं हो सकते, तो इसका मतलब मैं वाटर की पोजीशन अब वो ये नहीं रख पाऊंगा, ये जगह मैं वाटर के लिए नहीं रख पाऊंगा, क्लियर। चलिए उसके बाद में आगे रीड करते हैं। देन हमसे कहा जा रहा है कि इन द ट्रे वन ए ब्लू बॉटल इज नॉट अबो द बॉटल हैविंग द वाटर एंड चिली सॉस। तो जो ब्लू वाली है उसके बाद में कौन सी नहीं, उसके नीचे कौन सी नहीं हो सकती, एक तो वाटर वाली नहीं हो सकती, एक चिली सॉस वाली भी नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए ये चीज भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा कि ब्लू वाला हो गया, ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाली जो पोजीशन है उस पर क्या नहीं आ सकता, एक तो सी एच नहीं आ सकता, क्लियर, और दूसरा एक वाटर नहीं आ सकता, यही दो चीज नहीं आ सकती। चलिए इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लास्ट लास्ट हमसे कहा जा रहा है कि रेड बॉटल इज नॉट अ प्लेस विद द बॉटल हैविंग द वाटर, ठीक है। रेड वाले के साथ में भी क्या नहीं आ सकता, वाटर वाली बॉटल नहीं आ सकती। चलिए इसे भी हम कुछ थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं, रेड हो गया और मेरे पास ये वाटर हो गया, और ये दोनों पास पास हैं नहीं आएंगे, ये मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये चीज मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ।
तो गाइज अब चलिए अपन इसे सोल्व करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोडेड आ चुकी है, तो अब दोबारा हमें इतनी सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैच होती हुई दिख रही है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो एक ये देखिए कि रेड है वो डायगनली है, ठीक है, और एक्सट्रीम एंड पे ये होने वाला है। तो हो सकता है रेड मुझे इस जगह देखने को मिले, मतलब इन दोनों जगह पे, या फिर इन दोनों जगह पर देखने को मिले। अब एक बार वो चीज सोचिए कि रेड वाले के जस्ट नीचे क्या आएगा, येलो वाला आएगा, क्लियर है। चलिए अब जब रेड वाले के जस्ट नीचे येलो आएगा ये भी हमें पता है, और सेकंड रो के अंदर मुझे ये भी पता है कि येलो के सेकंड राइट मुझे पिंक देखने को मिलेगा। अब आप एक बार सोचिए कि क्या मैं येलो को इस जगह रख के सेकंड टू राइट कर पाऊंगा क्या, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि येलो इस जगह नहीं आएगा। अब जब येलो इस जगह नहीं आएगा तो ऊपर वाली रो में मुझे यहाँ रेड भी देखने को नहीं मिल सकता, और जब मुझे यहाँ रेड देखने को नहीं मिलेगा तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि रेड कलर मुझे इस जगह रखना पड़ेगा, और जब रेड में इस जगह रखूंगा तो इसके नीचे मुझे रखना पड़ेगा येलो कलर, क्लियर। और जब येलो हमने यहाँ रख दिया तो इसके बाद में एक पोस्ट छोड़ने के बाद में मुझे यहाँ रखना पड़ेगा पिंक कलर, क्लियर हो गया। चलिए इतनी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, तो इनको एक बार हम मान लेते हैं, ये हो गया। चलिए इनको भी हटा लेते हैं, और अब देखिए डायगनली है तो अब दूसरी रेड की पोजीशन मुझे इस जगह रखनी पड़ेगी, तो अब हम इस चीज को भी यहां से हटा सकते हैं, हो गया क्लियर। ओके चलिए अब हमसे कहा जा रहा है कि रेड के पास में वाटर नहीं है, चलिए ये तो कोई सीन भी नहीं हुआ। अब ऊपर वाली चीजों को चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। एक तो बात ये आती है कि अब येलो के पास में मुझे ग्रीन को रखना पड़ेगा, तो नीचे वाले की यदि मैं बात करूं तो मुझे इस जगह एक तो ग्रीन रखना पड़ेगा, ये तो डेफिनेट हो गया। चलिए उसके बाद में ऊपर वाले की यदि मैं बात करूं तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि जो सोया सॉस वाला पोजीशन है, सोया सॉस की जो पोजीशन है उसके बाद में एक छोड़ के मुझे येलो बोतल रखनी पड़ेगी, क्लियर। और उस ये जो येलो बोतल है उसके अंदर क्या है, रसना है, तो ये तो अभी भी कहीं भी आ सकता है। अब ये पोजीशन आ सकती है, इसमें काफी चीजें हैं। देखिए पिंक आ चुका है, पिंक के बाद दो पोजीशन छोड़ने के बाद में मुझे वाटर रखना पड़ेगा, लेकिन अब पिंक इस जगह नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन रहता है कि पिंक मुझे यहां रखना पड़ेगा, फिर दो जगह छोड़ने के बाद में मुझे वाटर रखना पड़ेगा, वो मुझे इसी जगह रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं उसके बाद में। चलिए ये हो चुका है तो इसे भी हम यहां से हटा देते हैं, चलिए ये भी हो गया। अब इसकी यदि हम बात करें तो अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि येलो हो सकता है इस जगह मुझे देखने को मिले, और हो सकता है येलो मुझे इस जगह देखने को मिले, क्लियर। लेकिन जब नीचे वाले में हमने कलर देखे तो एक ही कलर मिसिंग दिख रहा है, वो कौन सा है, ब्लू, तो वो इस जगह आ जाएगा ब्लू। अब ये देखिए येलो के नीचे कौन नहीं आ सकता, ब्लू कलर नहीं आ सकता, इट मीन्स येलो इस जगह नहीं आ पाएगा, तो फिर येलो के लिए जगह बचती है मेरे पास यही, क्योंकि इस जगह तो येलो वैसे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि येलो के अंदर क्या है, रसना वाला है, इसका मतलब येलो में ये रसना वाला हो गया, तो ये इस जगह इस वजह से नहीं आ पा रहा। और जब ये हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, सोया सॉस है। ओके आई थिंक चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अब ये चीज भी हो चुकी है तो इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं, चलिए ये भी हो गया। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि येलो के पास ग्रीन है, तो येलो के पास मुझे क्या रखना पड़ेगा, ग्रीन रखना पड़ेगा। ओके चलिए ये भी हमने दोनों जगह यूज कर लिया तो इसे भी हम हटा सकते हैं। ओके अब देखिए मिल्क की बात करें तो मिल्क है वो कहाँ रखना, किस जगह होना चाहिए, एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए। अब बाकी एक्सट्रीम एंड ऑलरेडी फिल हो चुके हैं तो मुझे मिल्क को लास्ट में इस जगह रखना पड़ेगा, क्लियर। ओके चलिए मिल्क का भी हो चुका है कि एक्सट्रीम एंड पे होने वाला है। फिर अब बात करते हैं कि जो फैश था उसके अंदर ग्रीन था, ग्रीन में मुझे क्या रखना था, ये बटर मिल्क रखना था, ठीक है, तो ये मुझे रखना पड़ेगा बटर मिल्क इस जगह। अब इसके बाद में हम बात करें, इसे भी हमने यूज कर लिया, हटा देते हैं। अब बटर मिल्क की यदि हम बात करें तो जहां बटर मिल्क आएगा जिस भी ट्रे के अंदर, वहां दो चीज नहीं हो सकती, एक तो मिल्क नहीं हो सकता, तो मिल्क तो ऑलरेडी नहीं हो रहा, दोनों नीचे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा टमेटो सॉस है वो भी हमें वहां देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्लियर है कि टमेटो सॉस है वो अपन यहाँ नहीं रख पाएंगे, तो टमेटो सॉस किस जगह आएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह हमें देखने को मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो एक तो ये बात कर लेते हैं कि टमेटो सॉस है वो नीचे वाले में आएगा। ओके दूसरी यदि हम बात करें इस चीज को, यदि हम क्रॉस देखना चाहें तो ब्लू किस जगह रह गया, ब्लू चलिए यहाँ रह गया लास्ट, और ब्लू के नीचे क्या नहीं हो सकता, एक तो ये नहीं हो सकता, एक वाटर नहीं हो सकता, चलिए दोनों ही चीजें नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया, ये सभी हटा देते हैं। तो लास्ट कंडीशन अपने पास ये रहती है कि रेड के पास में वाटर भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ वाटर भी नहीं आएगा, चलिए फिर तो वाटर भी नीचे वाले में आएगा। ओके तो फिर अपने पास एक लास्ट चीज रह जाती है जो कहीं भी नहीं आई, और वो कौन सी चीज रिमेनिंग, कौन सी रहेगी, बाकी चीज आ चुके हैं, चलिए कस्टर्ड कहीं भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास से कस्टर्ड वाला, ठीक है। ओके अब इन दोनों को मुझे इस जगह रखना है,
लेकिन इसमें भी एक चीज थी कि जो मतलब मिल्क और वाटर के बारे में इशू था कि ये दोनों कहाँ हैं, पास पास नहीं आ सकते, ठीक है, और मिल्क और वाटर जब पास पास नहीं आएंगे तो इसका मतलब वाटर मुझे किस जगह रखना पड़ेगा, इस जगह रखना पड़ेगा, और लास्ट मेरे पास ऑप्शन एक ही रह जाता है, वो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। तो गाइस ये अपनी पूरी पोजिशन बन चुकी है, सभी की पोजिशन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि चीजें आपको कैसे लगी, और पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके अलावा academygurji.com पर विजिट कीजिए ताकि आप एक्स्ट्रा पजल्स है वो भी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आज के सेशन में इतने रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।